नमस्कार एवरीवन। आज हम स्नेक के विनोमस और नॉन विनोमस कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है उनको हम स्टडी करेंगे। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट हैं या की है जो हमें हेल्प करेगी टू आइडेंटिफाई द विनोमस एंड नॉन विनोमस स्नैक्स। आपको पता है कि विनोमस नॉन विनोमस स्नैक जो है, विनोमस स्नेक जो है वो जहरीला है और नॉन विनोमस जो है वो जहरीला नहीं है। इसमें हम मेन तीन कंपोनेंट्स हैं उनको स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन फैक्टर जो है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन विनोमस एंड नॉन पॉइजनस। विनोमस एंड पॉइजनस में क्या डिफरेंस है। दूसरी पॉइंट जो हमारा है दैट इज द टू आइडेंटिफाई द विनोमस एंड नॉन विनोमस स्नैक एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ विनोमस स्नैक्स फाउंड इन इंडिया। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं कि विनोमस और पॉइजनस में क्या डिफरेंस है। विनोमस भी ये इफेक्ट, इसमें भी टॉक्सिक होता है, इसमें भी टॉक्सिक कंपोनेंट है। फर्क क्या है इन दोनों में। विनोमस जो है, अगर कोई एनिमल किसी को बाइट कर ले और अपना जो टॉक्सिक कंपोनेंट जो है वो एनिमल्स की प्रे की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, देन दैट एनिमल डाई। तो जो बाइट करने वाला एनिमल जो है वो क्या है, विनोमस है। अगर बाय चांस कोई एनिमल है जो किसी को बाइट करता है और वो नहीं मरता, लेकिन अगर उसी एनिमल्स को अगर प्रे खा जाए, दैट कंडीशन, उस कंडीशन में क्या होता है कि वो एनिमल हो सकता है मर जाए, प्रे जो है मर जाए। ठीक है, तो यानी यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, इफ एन एनिमल बाइट यू यू डाई, देन द एनिमल, जो बाइट करने वाला एनिमल है दैट इज द विनोमस। इफ यू बाइट द एनिमल, अगर आप किसी एनिमल्स को बाइट करते हो एंड यू डाई और खुद ही मर जाते हो, देन दैट एनिमल इज पॉइजनस। जिसको खाया गया है वो एनिमल क्या है, पॉइजनस है। हालांकि वो पॉइजनस नहीं होता, लेकिन उसकी उसकी बॉडी में जो स्किन की सरफेस में या कहीं कहीं बॉडी टिश्यू में जहर जो होता है, टॉक्सिन जो होता है, दैट इज द डेडली। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, गार्टर स्नेक, ये नॉन विनोमस है, जहरीला नहीं है। ठीक है, और ये हार्मलेस है, लेकिन अगर ये बाइट करे तो हार्मलेस है, लेकिन अगर इसको कोई खा जाए, ठीक है, खाने वाले के लिए जहरीला है, इट इज टॉक्सिक बिकॉज देयर बॉडी सरफेस हैज टॉक्सिन्स, और ये उसके लिए क्या रहेगा, इट इज पॉइजनस नॉट विनोमस। नेक्स्ट हम चल रहे हैं टू हाउ टू आइडेंटिफाई विनोमस एंड नॉन विनोमस स्नैक। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि स्नैक जो है इसकी कितनी स्पीसीज हैं। वर्ल्ड में लगभग 3000 के आसपास स्पीसीज हैं विनोमस स्नैक्स की थ्रू आउट ग्लोबुलर पार्ट, और जिसमें से 20% जो है वो विनोमस है। इनमें से 20% जो है, ओवरऑल 7% जो है, ये 7% जो है दीज आर डेडली टू ह्यूमन बींग, दे किल द ह्यूमन बींग इफ दे बाइट। अगर हम स्नैक की कुछ और करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो स्नैक जो है वो कोल्ड ब्लड एनिमल होता है, पोइक्लोथर्मिक है, दैट इज देयर बॉडी टेम्परेचर फ्लैक्चुएट अलॉन्ग विद दैट इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। जैसे इन्वायरमेंटल टेम्परेचर चेंज होगा उसी अकॉर्डिंग इनका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है या फिर डिक्रीज हो जाता है, और देयर ओवरऑल बॉडी इट इज कवर्ड बाय द स्केल्स। स्केल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द स्नेक दैट इज द विनोमस और नॉन विनोमस। अब हम बात करें टाइप ऑफ स्नेक, कितने टाइप की, जो मेन जो विनोमस स्नेक जो है उनको थ्री फैमिली में ये हमें मिल रहे हैं। थ्री फैमिली में फर्स्ट वन जो है इलेपिडी, जिसमें कोबरा किंग, कोबरा क्रैट और कोरल स्नेक्स प्रेजेंट हैं। इनकी प्यूपिल जो है दैट इज द राउंड, और ये ओविपेरस हैं। इनके फेंस जो है वो स्मॉल साइज के हैं और फिक्स हैं, फिक्स्ड फेंस हैं, हिलेंगे नहीं है। ठीक है, और हैविंग ग्रूव,
और ये ग्रू प्रेजेंट है यहाँ पर, जो कि पॉइजनस ग्लैंड जो है वहां से जो पॉइजनस ग्लैंड्स का जो म्यूकस सीक्रेशन जो है, या फिर जिसको हम लार कह सकते हैं, ठीक है, दैट इज मूव थ्रू द ग्रूव ऑफ द फेंस अप टू द टिप रीजन ऑफ द फेंस। ये प्रीडी जो है इसमें वाइपर फैमिली के स्नेक्स आते हैं, जो कि सब फैमिली के दो सब फैमिली है, पिट वाइपर एंड पिटलेस वाइपर, दैट इज द क्रोटालाइन क्रोटालाइनी एंड रेटल स्नेक। और पिटलेस जो वाइपर है इसमें रसल वाइपर है और सास्केल वाइपर है। इनकी फेंस जो है वो बहुत लंबी है, लार्ज है और मूवेबल है, और एक कैनलाइज है इनके टिथ जो है, फेंस जो है, दीज आर कैनलाइज, और ये ओवोविविपेरस हैं। और थर्ड वन जो है हाइड्रोफिडी, ये स्नेक जो है सी कोस्ट रीजन पर हमें मिलेंगे, और इनका हेड जो है स्मॉल साइज है, लेकिन इनके टेल जो है वो फ्लैटेंड है। दिस सच टाइप ऑफ टेल हेल्प इन स्विमिंग। जो 60 विनोमस स्नेक जो है इंडिया में जो पाए जाते हैं, उनमें से 4 जो हैं जो कि बहुत ही डेडलीस्ट हैं, रसल वाइपर है, कॉमन क्रैट है, इंडियन कोबरा है और सास्केल्ड वाइपर है। इनमें से मैक्सिमम जो बाइट जो होता है वो रसल वाइपर और सास्केल्ड वाइपर से होता है, ठीक है। जो क्रैट जो है और इंडियन कोबरा है बहुत कम काटते हैं, और कोबरा तो कम काटता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वाइपर स्नेक जो काटता है। अब हम बात करते हैं स्नेक को किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स जो है टेल पॉइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, उसके बाद वेंट्रल स्केल्स हैं, फिर हेड स्केल है, उसके बाद जा स्केल एंड वर्टिबल स्केल जो है, इनके बेस पर हम स्नेक को आइडेंटिफाई करेंगे, ये पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस। अगर हमें कोई स्नेक मिल जाता है तो उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसकी टेल कैसी है, सिलेंड्रिकल है या फिर फ्लैट है। अगर सिलेंड्रिकल है तो नॉन पॉइजनस है, ये पॉइजनस भी हो सकता है लेकिन ये लैंड स्नेक है। अगर ये फ्लैटेंड है तो दैट इज द पॉइजनस है। अब हम इसमें लैंड स्नेक में देखें कि कौन पॉइजनस कौन नॉन पॉइजनस है। तो अगर यहाँ पर जो क्लोइकल रीजन है, उस क्लोइकल रीजन से पोस्टर रीजन वेंट्रल साइड में देखें, तो ये स्केल है, स्मॉल साइज स्केल है, दैट इज द नॉन पॉइजनस। अगर ये स्केल जो है थोड़ी इलोंगेटेड हो गए, लेटरल साइड एक्सटेंड हो गए हैं और नॉट एक्सटेंड अप टू द लेटरल साइड, देन सच टाइप ऑफ स्नेक जो है इट इज ऑल्सो लैंड स्नेक इज ऑल्सो नॉन पॉइजनस। अगर ये स्केल जो है दीज आर एक्सटेंडेड अप टू द लेटरल साइड कंप्लीटली, देन सच स्नेक्स मे बी पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस। अब इनमें से पॉइजनस नॉन पॉइजनस कैसे काउंट करें? अगर यहाँ पर स्नेक का जो हुड है अगर वो ट्रेंगुलर है, देन इट इज द वाइपर, दैट इज द पॉइजनस। जितने भी ट्रेंगुलर हुड शेप्ड स्नेक जो है दीज आर पॉइजनस। इनकी जो प्यूपिल जो है इट इज वर्टिकल, प्यूपिल जो है वर्टिकल, एलिप्टिकल जो है एलिप्टिकल है, राउंड नहीं है यहाँ पर इसके केस में। इन केस ऑफ वाइपर इट इज राउंड, ये राउंड है। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि आई रीजन से जस्ट और नोजटाइल के बीच में यहाँ पर लेटरल साइड में हमें एक पिट नजर आएगा जो कि लोरियल पिट है। इट इज सेंसिटिव टू द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, अपने जो प्रे जो है उसको यहीं से ये सेंस करता है, जो बॉडी से हीट रिलीज हो रही है उस हीट को ये सेंस करता है, और उस हीट को सेंस करके ये अपने प्रे पर अटैक करता है। दैट इज वाई जो पिट वाइपर जो है दिस बाइट देयर बाइट इज आर मैक्सिमम कंपेयर टू और ओवरऑल अनदर स्नेक बाइट्स। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर ये भी नहीं है और ट्रेंगुलर हेड भी नहीं है और पिट भी नहीं है, देन सच कंडीशन वी चेक द स्नेक ऑन द बेसिस ऑफ द सुप्रा लेबियल स्केल्स। यहाँ से हम काउंट करते हैं ये लेबियल स्केल्स हैं यहाँ पर आई रीजन में, अपर जा के रीजन में, यहाँ पर दिस वन 1, 2 एंड 3, ये 3 लार्ज साइज स्केल है जो कि आई को टच कर रहा है, ठीक है। जो स्केल थर्ड स्केल जो है आई को टच कर रहा है और नोस्ट्राइल को भी टच कर रहा है, दैट इज नोन एज द कोबरा।
इन केस ऑफ, अगर ये स्केल अब्सेंट नहीं है और इसी तरह का माउथ पार्ट है, इलोंगेटेड माउथ पार्ट है, देन ऑन वेंटल वे, वेंटल साइड में माउथ का जो लोअर जा है वहां पर देखते हैं हम, ये स्केल है एंटीरियर साइड टू पोस्टीरियर साइड में जाएं, दीज आर इंफ्रा लेबियल स्केल्स 1, 2, 3 and 4, ये फोर्थ स्केल जो है इट इज वेरी लार्ज साइज। अगर इस तरह का लार्ज साइज स्केल है देन इट इज द क्रेट, और क्रेट की एक और खासियत है कि उसका डोर्सल लेटर, डोर्सल साइड पर अगर हम देखें मिड डोर्सल लाइन पर, यहाँ पर लार्ज साइज के हेक्सागोनल स्केल्स मिलेंगे। अनदर स्नेक में ये हेक्सागोनल तो होंगे लेकिन लार्ज साइज के नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हेक्सागोनल मिड डोर्सल वर्टिबल स्केल्स हैं, दीज आर प्रेजेंट ऑन द क्रेट। नेक्स्ट, सच टेबल also explain various characteristics to identify the snake. Teeth snake bite mark अगर हम देखें तो अपर जा जो है उसके टू फेंज हैं, दीज बाइट मार्किंग टू डॉट्स, और उन्हीं डॉट के बेस पर हम या तो वन पेयर डॉट मिलेगा टू पेयर डॉट मिलेगा, क्योंकि जो फेंज जो है उसके बॉटम रीजन पर, बेस रीजन पर अनदर टूथ जो है इट ऑल्सो इमर्ज। तो जो ओल्ड वन जो है वर्न आउट हो जाता है तो न्यू वन जो है वो अपनी उसकी जगह ले लेता है। तो वहां पर कई बार वन पेयर डॉट लाइक पंक्चर जो है पॉइंट्स हमें दिखाई देंगे या फिर टू पेयर दिखाई देगा। अगर अपर जा का यूनिफॉर्म है देन दैट इज सच टाइप ऑफ वाइट इज फ्रॉम नॉन विनोमस स्नैक। कलर की बात करें तो जो विनोमस स्नैक है वो ब्राइट कलर के होते हैं, ये नॉन ब्राइट है, लेकिन कुछ पाइथन है, सेंड वो है, ये ब्राइट कलर के होते हैं। हेड रीजन की बात करें तो ट्रेंगुलर है और ब्रॉड है, ट्रेंगुलर है, दैट इज द पॉइजनस स्नैक, विनोमस स्नैक। और शॉर्ट और इलोंगेटेड है, दैट इज नॉन विनोमस स्नैक। अगर टेल जो है फ्लैट है, सिलिंड्रिकल है, दैट इज द विनोमस। अगर टेल जो है शॉर्ट और सिलेंड्रिकल है, ब्लंट है, हाईली इलोंगेटेड नहीं है, ब्लंट है, दैट इज द नॉन विनोमस। वेंट्रल स्केल्स की बात करें तो वेंट्रल स्केल जो है लार्ज है और एंटायर विड्थ को ये कवर कर रहे हैं, देन दैट इज द वेंट्रल सरफेस को कवर कर रहे हैं, दैट इज बेली रीजन को, दैट इज नोन एज द विनोमस स्नैक। अगर ये स्मॉल साइज के हैं या थोड़े से लार्ज हैं, नॉट कवर द बेली रीजन, देन इट इज नॉन विनोमस स्नैक। हेड स्केल जो है स्मॉल है या लार्ज है, या तो स्मॉल मिलेंगे या लार्ज, कुछ लार्ज मिलेंगे, ठीक है, दैट इज द विनोमस। और सभी के सभी लार्ज मिलते हैं, लार्ज शील्ड है, देन इट इज नॉन विनोमस। डोर्सल मिड डोर्सल लाइन पर वर्टिकल कॉलम पर देखें तो वहां पर हेक्सागोनल स्केल्स हमें मिलेंगे, दैट इज द केस ऑफ द क्रेट। अगर लार्ज साइज नहीं है, स्मॉल साइज के हैं, दैट इज द नॉन पॉइजनस स्नैक। अगर हम बात करें पर बॉडी वेट, अगर स्नैक बाइट अगर होती है तो लगभग माइस के केस में देखें तो पर किलोग्राम 0.28 मिलीग्राम है, तो ये लीथल डोज है, ठीक है। इन केस ऑफ कॉमन क्रेट 0.9 मिलीग्राम है तो लीथल डोज है, और 0.1 मिलीग्राम है, दैट इज द रसल वाइपर के केस में ये लीथल डोज होगी। और 6.65 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के अगर इंजेक्ट करते हैं माइस में तो ये सा स्केल्ड वाइपर की लीथल डोज होगी। तो सबसे कम वैल्यू जो है कंसंट्रेशन जो है कॉमन क्रेट के, जो कि इस तरह से हम कह सकते हैं कॉमन क्रेट जो है हाईली टॉक्सिक है, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। यहाँ पर ह्यूमन बींग की बात करें तो लगभग 12 मिलीग्राम अगर बाइट अगर होता है, पर बाइट इंजेक्ट होता है तो ये फेटल डोज है। इन केस ऑफ कॉमन क्रेट ये 6 मिलीग्राम 15 मिलीग्राम इनके रसल वाइपर 8 मिलीग्राम इनको सात स्केल। और एवरेज पर बाइट जो है जो इंजेक्शन होता है विनोम का वो 60 मिलीग्राम इन केस ऑफ इंडियन कोबरा, 20 इन केस ऑफ कॉमन क्रेट, रसल वाइपर 63 एंड सात स्केल में 32 पॉइंट। लगभग यूं समझे कि पर बाइट जो है इतनी डोज इंजेक्ट कर दी जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा फेटल है। तो कोबरा जो से बाइट हुआ है वो 8 घंटे में एनिमल है, ह्यूमन बींग है, वो मर जाएगा। कॉमन क्रेट के केस में 18 घंटे लेगा, 3 दिन लेगा रसल वाइपर के केस में, और सच स्केल्ड वाइपर जो है इसमें 41 के आसपास, 40 लगभग 1 मंथ से ज्यादा टाइम ले लेगा पढ़ने में। ये कुछ स्नैक है, रसल वाइपर है, जो कि मैक्सिमम इस वाइपर की काटने से डेथ होती है, थ्राउट इंडिया मिलता है ये, और लगभग 1.5 मीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है रसल वाइपर की। लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर होता है,
और ट्रेंगुलर हेड है इसका, ठीक है, हेड इसका जो है ट्रेंगुलर शेप है और हीमोटॉक्सिक है ये। उसके बाद हम बात करें कॉमन क्रैट, जिसके देखिए डोर्सल मिड डोर्सल लाइन पर ये देखिए हेक्सागोनल लार्ज साइज स्केल्स हैं, तो ब्लैक और ब्लैकिश कलर है इसका, ज़्यादातर ब्लैकिश कलर है और कुछ बैंड्स हैं, वाइट बैंड्स जो है कि थ्रॉट बॉडी क्रॉस बैंड्स जो हमें देखने में मिलेंगे। हेड जो है नैरो है, दिस वन नैरो हेड, बॉडी इलोंगेट सिलेंड्रिकल हेक्सागोनल इलोंगेट स्केल्स मैंने आपको बताई है। थ्री और फोर्थ सुप्रा लेबियल जो है अपर जा जो कि आई को टच करता है, ठीक है, ये न्यूरोटॉक्सिक एनिमल क्रैट है। कोबरा जो है इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, 2 मीटर तक इसका हाइट हो सकती है, ब्लैक होता है, ब्लैक ब्राउन कलर होता है इसका और इसको नाग भी कह सकते हैं, और डे टाइम में इसकी एक्टिविटी है ड्यूरनल है, और ये अपना जो नेक रीजन जो है वो एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है, लेटरल साइड में, और फेंज हैं इसके स्मॉल हैं, फिक्स्ड है, स्मॉल साइज फेंज हैं और फिक्स्ड हैं, और कपड़े के थ्रू ये नहीं काट सकता, बहुत कम काटता है कपड़े के थ्रू, इसकी बाइट बहुत कम होती है अगर कपड़ा है तो हाथ और पाँव पर। थर्ड सुप्रा लेबियल सील्ड जो है वो आई और नोस्ट्रिल दोनों को टच करती है, ये न्यूरोटॉक्सिक है। अब हम बात करते हैं सात स्केल्ड वाइपर की, ये वाइपर रसल वाइपर है, कॉमन वाइपर भी कहते हैं इसको, इंडिया में पाया जाता है ये, स्मॉलेस्ट इसका साइज बहुत छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, हाफ मीटर से भी कम होता है, अप टू हाफ मीटर के आसपास है, और कलर है इसका लाइट डार्क है, ठीक है, ब्राउन सेंटी ब्राउन ग्रे कलर है, कैमोफ्लेज टू द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में ये दिखाई नहीं देगा, जो ये कहीं रेत वगैरह जो है या फिर पत्थर वगैरह जो चट्टान है रॉक जो है वैसे ही ऐसे एरिया मिलेगा जहाँ इसकी बॉडी का जो कलर है उसके बैकग्राउंड से मैच करता है, वहाँ पर ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा, खासकर पहाड़ी एरिया जो है वहाँ पर, और या फिर जो सैंडी रीजन है डेजर्ट एरिया में। हैव जिगजैग पैटर्न ऑल ओवर द बॉडी, ये जिगजैग पैटर्न है, आंखें है इसके लार्ज साइज की है और ये क्वाइल्ड होकर बैठता है, रफली एट शेप बनाकर बैठता है, तो एकदम अचानक ये अटैक करता है लंबे डिस्टेंस तक, ठीक है, और इसकी स्केल जो है रफ है, ड्राई है, और जब ये मूव करता है तो स्केल जो है एक साउंड प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज एक्ट एज लाइक एनी वुड हैज बीन कटिंग, तो और ये विनोमिस इसका जो विनोम है वो हीमोटॉक्सिक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।